इंडिया अलायंस में हर एक नेता को पीएम बनना है। हाँ, बहुत सारे पीएम कैंडिडेट हैं वहाँ पर, सभी पीएम कैंडिडेट हैं वहाँ पर, कोई डिप्टी पीएम भी नहीं बनना चाहता है, सबको पीएम बनना है। ऐसी रसोई है जिसमें सारे बर्तन हैं, हर तरीके के बर्तन हैं, सब आपस में टकरा रहे हैं, खूब आवाजें आ रही हैं। पारस, ये ऐसी खिचड़ी है जो मुझे लगता है पकने से पहले ही उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अलग अलग हो जा रहे हैं और लास्ट में सिर्फ पानी रह जाएगा। पानी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, जो पानी है अब। तो अभिषेक, एक बात बताइए, इंडिया अलायंस का चल क्या रहा है? कैसी खिचड़ी है? उसमें मसाले हैं, मिर्ची, नमक सब है, लेकिन तड़का नहीं है। पारस, ये ऐसी खिचड़ी है जो मुझे लगता है पकने से पहले ही इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब अलग अलग हो जा रहे हैं और लास्ट में सिर्फ पानी रह जाएगा। पानी कौन? कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, जो कांग्रेस पानी है अब। बेस्वाद पानी, जो सिर्फ पानी रह गई है। एक समय पे वो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी देश की और उनके इशारों पे सरकारें बनती थी और बिगड़ती थी, और आज उनकी ऐसी नौबत आ गई है कि वो खुद एक सरकार नहीं बना पा रहे हैं। तो कांग्रेस के इस पूरे अलायंस, इंडिया अलायंस के बारे में ही आज हम बात करेंगे। वेलकम टू न्यूज, और मैं हूं पारस कोठारी और मेरे साथ हैं इंडिया अलायंस पर बात करने के लिए माय कॉलीग अभिषेक पांडे। अभिषेक, वेलकम टू द शो। थैंक यू पारस। तो अभिषेक, ये इंडिया अलायंस की जो खिचड़ी है एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। नीतीश कुमार आते हैं, घर घर घूमते हैं, सारे स्टेट्स में जाते हैं, सारे मुख्यमंत्रियों से मिलते हैं, नेताओं से मिलते हैं, उसके बाद एक अलायंस बनाने की बात होती है, सब लोग मिल बैठते हैं चार यार, और उसके बाद इंडिया अलायंस की बैठकें शुरू हो जाती हैं अलग अलग शहरों में, और नीतीश कुमार खुद ही आउट हो जाते हैं। देखिए पारस, राजनीति की गलियारों में ऐसी अफवाहें हैं कि नीतीश कुमार को वहां भेजा ही इसलिए गया था कि आप वहां पर जाइए, अपोजिशन में एक ऐसा ब्लॉक बनाइए, सबको साथ में लेकर आइए, अंदर क्या चल रहा है वो बताइए, और फिर उसको स्थापित करने से पहले ही वापस आ जाइए आप, मतलब वहां घर का भेदी बनाने के लिए। एग्जैक्टली वही हुआ था वहां पर, कि आप वहां पर जाइए, अंदर की खबरें बताइए और फिर वापस आ जाइए। अच्छा, एग्जैक्टली वही हुआ भी है वहां पर। एक खबर तो ये भी थी ना कि नीतीश कुमार खुद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनना चाहते थे, कन्वीनर बनना चाहते थे अलायंस के, उनको मौका नहीं मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को कन्वीनर बना दिया सबने मिलके, और इस वजह से नीतीश कुमार नाराज हुए। लेकिन आपकी वाली थ्योरी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नहीं, अब आप मुझे देखिए कि वहां पर सिर्फ नीतीश कुमार को पीएम बनना ऐसा नहीं है, इंडिया अलायंस में हर एक नेता को पीएम बनना है। हाँ, बहुत सारे पीएम कैंडिडेट हैं वहां पर, सभी पीएम कैंडिडेट हैं वहां पर, कोई डिप्टी पीएम भी नहीं बनना चाहता है, सबको पीएम बनना है। ऐसी रसोई है जिसमें सारे बर्तन हैं, हर तरीके के बर्तन हैं, सब आपस में टकरा रहे हैं, खूब आवाजें आ रही हैं। आवाजें खूब आ रही है और काम कुछ नहीं हो रहा है। रसोई में कुछ नहीं बन रहा, रसोई में कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन आवाजें सिर्फ बहुत आ रही है। लेकिन उन्हें सीरियस नोट, अभिषेक ये बताइए, इंडिया अलायंस का क्या फ्यूचर है? अभी नीतीश कुमार बाहर आ गए, जेडीयू को लेकर सीधे एनडीए में गए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया, तेजस्वी यादव जो खुद सीएम बनने के सपने देख रहे थे एलओपी बन गए। इसके अलावा और भी ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, अलग अलग पार्टीज हैं जो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब सब नाराज हैं। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में ऐलान कर दिया कि वो सारी 14 की 14 सीटें इंक्लूडिंग चंडीगढ़ खुद लड़ेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं दे रहे। दिल्ली में उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारी 7 की 7 सीटें वो लड़ेंगे, कांग्रेस को कुछ नहीं देंगे। तो कांग्रेस को कौन देने वाला है इस अलायंस में कुछ? देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपको बताता हूँ कि कोएलिशन गवर्नमेंट्स जिसकी हम बात करते हैं कि कोएलिशन अपोजिशन जब आ रही है एक साथ उनको सरकार बनानी है, तो थोड़ा अगर इतिहास पे नजर डालें तो 1967 में उस टाइम से लेकर अभी तक 2024 तक करीबन 60 कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनी है देश में, स्टेट्स और सेंटर में दोनों भी, और उन दोनों ही स्टेट्स और सेंटर की दोनों भी जो कोएलिशन गवर्नमेंट्स रही है उनका ऑन एन एवरेज टिकने का टाइम जो है वो सिर्फ 26 महीने, मतलब कार्यकाल भी पूरा नहीं करता, कार्यकाल भी पूरा नहीं किया गया है। जो ऐसे कोएलिशन की गवर्नमेंट जो अलग अलग विचारधारा से पार्टियां होती हैं वो एक साथ आती हैं, तो उनकी सिर्फ 26 महीने जो है उनका कार्यकाल होता है, सिर्फ ऑन एन एवरेज है ये। अच्छा, रिसेंटली ऐसे दो एग्जांपल हमें देखने को मिल गए, महाराष्ट्र में अलग अलग विचारधाराओं की पार्टियां जो सालों से एक दूसरे से लड़ती रहीं वो एक साथ आई, 2.5 साल सरकार चली और उसके बाद सरकार गिर गई, वो दो पार्टियां ही टूट गई। बिल्कुल, एनसीपी टूट गई, शिवसेना टूट गई, इसके बाद बिहार में तो अभी खेला हो ही गया। बिल्कुल, और आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये जो अपोजिशन को एक साथ लाने का जो फ्रंट था उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका शरद पवार खुद निभा सकते थे, और उनको एज अ मेंटोर देखा जा रहा था कि यही शरद पवार एक ऐसे इंसान है जो सभी को एकजुट कर सकते हैं और ये शायद गवर्नमेंट बना दें सक्सेसफुली, ऐसा उनका मानना था, और लोगों में भी कहीं ना कहीं था कि अगर कोई इन सभी पार्टीज को एक साथ ला सकता है तो वो शरद पवार है। लेकिन दो फैक्टर्स है, एक तो वो खुद बहुत बूढ़े हो चुके हैं, ठीक है, अब मुझे लगता नहीं कि उनके पास एक्टिव पॉलिटिक्स में ज्यादा समय वो होंगे, और दूसरी उनकी खुद की पार्टी अलग हो चुकी है।
उनको खुद को इलेक्शन कमीशन ने उनकी पार्टी जो मेन पार्टी है एनसीपी उनसे अलग कर दिया उनको। बिल्कुल। तो ये देख रहे हैं कि सिर्फ एनसीपी के साथ ही ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर जो दूसरे विचारधारा के हिंदुत्व विचारधारा की जो पार्टी थी शिवसेना महाराष्ट्र में उनके साथ भी सेम उसी तरीके से हुआ है कि जो मेन जिनको कहते हैं कि जो ठाकरे फैमिली ओन करती थी शिवसेना उन्हीं को हटा दिया। एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। बिल्कुल। वैसे कांग्रेस की बात यहाँ पे करना जरूरी है क्योंकि कांग्रेस मेजर ऑपोजिशन पार्टी है देश की, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, 100 साल से पुराना इतिहास। लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट्स की जब बात आती है तो कांग्रेस कॉलिशन गवर्नमेंट्स को बनाने से ज्यादा बिगाड़ने में ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, उनका इतिहास वैसा रहा, इतिहास वैसा कि आप अगर इतिहास में देखेंगे जितनी बार भी ऐसी छोटी पार्टियों के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं कांग्रेस की सपोर्ट से, किसी ने भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया। जब तक उनकी इच्छा थी कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल, तब तक वो पीएम रहे, इंद्र कुमार गुजराल, एचडी देवेगौड़ा, बहुत सारे एग्जांपल। जब तक उनके पास अल्टरनेटिव नहीं होता तब तक वो सपोर्ट करते हैं, जैसे उनके पास अल्टरनेटिव आ जाता है वो बिल्कुल हिचकिचाते नहीं है और अपना सपोर्ट खींच लेते हैं, सरकारें गिर जाती हैं, इतिहास गवा रहा है। तो ये जो हिस्ट्री है कांग्रेस पार्टी की कॉलिशन पार्टनर के तौर पर कि उनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, यही वजह इंडिया अलायंस में बिखराव की। देखिए पारस, मुझे लगता है कि तीन सबसे बड़ी वजह है इंडिया अलायंस के बिखरने की। पहला तो कांग्रेस को अभी भी लगता है कि वो जायंट एलिफेंट है रूम में, उनको लगता है कि सबसे बड़ी पार्टी वो अभी भी है, लेकिन ये मुझे लगता है वो डिल्यूजन में जी रहे हैं कि अब ऐसा नहीं है। तो उनको जब तक वो इस चीज से बाहर नहीं आएंगे कि हम सबसे बड़ी पार्टी नहीं है अब इस देश की, अब हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे बहुत छोटे लेवल जा रहे हैं। हाँ, बहुत छोटी होती जा रही है वो पार्टी। आप नंबर्स की बात कर लीजिए, आप वोट शेयर की बात कर लीजिए, पार्टी जो है वो बहुत छोटी हो रही है। दूसरा पॉइंट अगर मैं कहूंगा तो जितने भी सेक्युलर जो पार्टीज हैं वो जब एक साथ आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो 20% माइनॉरिटी वोट शेयर के ऊपर ही आ रही है ना। आप 80% वोट शेयर को छोड़ दे रहे हैं, और 20% वोट शेयर जो है माइनॉरिटी का उसमें सबको अपना हिस्सा चाहिए। यही बात है, यही एक दूसरा रीजन है कि ये सफल ही नहीं हो सकता। ममता बनर्जी ने खुल के कह दिया था कि कांग्रेस हमारा वोट खाना चाहती है। आप अगर आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने अलग होने का निर्णय क्यों लिया, उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारा वोट खा रही है। अच्छा, बंगाल में तो ये कहानी है कि जो बंगाल के स्टेट लीडर हैं अधीर रंजन चौधरी, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, और गांधी परिवार, दोनों की लाइंस बिल्कुल अलग हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि ममता अलायंस का हिस्सा हैं और अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि ममता करप्ट हैं और ममता के साथ कोई अलायंस हो ही नहीं सकता, हम अलग लड़ेंगे। देखिए, स्टेट और जब ये लोग जब नेशनल फ्रंट की बात करते हैं कि हाँ ममता एक एनडीए अलायंस का हिस्सा है, लेकिन आप स्टेट पे जाएंगे तो माहौल कुछ अलग है। जो जो ग्रास रूट पे जो लेवल जो ग्रास रूट लेवल पे जो उनके वर्कर्स हैं वो नहीं कहते हैं ये चीज, वो तो खिलाफ है, वो तो बिल्कुल खिलाफ है, वो चाहते ही मतलब नहीं है। सालों से एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, टीएमसी की स्थापना ही इस बेसिस पे हुई, दो चीजों पे, कांग्रेस का विरोध और कम्युनिस्ट पार्टी को खत्म करने का जो एजेंडा था इसी के बेसिस पर टीएमसी की स्थापना, और ये काफी लंबे समय से चलते आ रही है। आज भी अगर आप बंगाल की स्थिति देखेंगे तो कांग्रेस के भी लीडर्स वहां पर सेफ नहीं है। ऐसा नहीं कि हम इंडिया अलायंस में, ममता बनर्जी और कांग्रेस इंडिया अलायंस में है तो उनके वर्कर्स पे या उनके लीडर्स पे वहां पर हमला नहीं हो रहा है। आए दिन खबरें आती रहती हैं, बीजेपी के साथ साथ उनके कांग्रेस के वर्कर्स हैं, लेफ्ट के वर्कर्स हैं जो वहां पर मारे जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो सेफ हैं। तो इस वजह से जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्कर्स हैं उनमें तो नाराजगी है और इसी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकते हैं। पिछले 10 सालों में एक और बहुत बड़े पॉलिटिकल प्लेयर एकदम से जिनका जन्म हो गया और दो स्टेट में मतलब सरकारें हैं और अब नेशनल पार्टी का दर्जा भी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की बात कर लेते हैं। पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता सब करप्शन के आरोप में जेल में हैं, कई जगह इंक्वायरियां चल रही हैं, खुद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है ईडी द्वारा पूछताछ के लिए। लेकिन केजरीवाल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं इंडिया अलायंस का, लेकिन वो भी तेवर दिखा रहे हैं कांग्रेस को, कह दिया उन्होंने पंजाब में कुछ नहीं देंगे। देखिए, इंडिया अलायंस एक ऐसा फ्रंट है जिसमें हर प्लेयर अपने अपने तरीके से खेलना चाहता है, कोई किसी के साथ मिलकर नहीं खेलना चाहता है, सबको अकेले खेलना है, और जहां पर जिनकी नहीं बनती है वहां पर वो साथ में आना चाहते हैं, और ऐसा कोई स्टेट है नहीं हमारे यहाँ पर। बिल्कुल, स्टेट्स की आपने बात करी, ममता बनर्जी बंगाल से बाहर क्या इम्पैक्ट कर देंगी? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि सबके सिर्फ राज्य में अपने अपने और सीट्स वहीं, अगर टीएमसी को लड़ना है तो वो उत्तर प्रदेश में तो जाके लड़ेगी नहीं, बंगाल में ही लड़ेगी, वो बंगाल में ही लड़ेगी, वो और किसी स्टेट में नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी यूपी या फिर थोड़ा बहुत एमपी का जो बुंदेलखंड वाला एमपी हो गया, एक दो सीटें महाराष्ट्र पे भी वो लड़ते हैं कई बार, लेकिन इसके अलावा उनका एक्सपोजर नहीं है।
और आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो ये ग्रो कर रही है पार्टी अभी भी सिर्फ तीन, पिछली बार जब उन्होंने गुजरात में इलेक्शन में जब वो उतरे थे तो देखा था कि किस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के वोट शेयर खाए और उनको किस तरीके से मतलब 15% का वोट शेयर रह गया था कांग्रेस का रह गया था और कांग्रेस के तो कम हो गए थे काफी ज्यादा। कांग्रेस का वोट शेयर कम हुआ, आम आदमी पार्टी का वोट शेयर बढ़ा, करीब 14.5-15% के आसपास वोट शेयर था आम आदमी पार्टी का, तो आप वेरी सरप्राइजिंग। और आप देखिए कि अगर बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है गुजरात में, फॉर एन एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वहां पर बढ़ा है और कांग्रेस का कम हुआ है और आम आदमी पार्टी का ज्यादा हुआ है, तो आप गणित लगाइए ना कि किसका कम हुआ है। कांग्रेस का वोट खाया हाँ, आपने, तो आप लड़ ही नहीं सकते जब तक आपके में आपसी सहमति नहीं है कि यार हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये सक्सेसफुल होगा। और यही एक वजह है जहां पर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली नहीं छोड़ना चाहते। अच्छा एक चीज मुझे आप और बताइए, मुश्किल से 1.25 महीने का समय रह गया है, कभी भी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग को लेकर बात ही नहीं हो पाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम 12-13 सीटें मैक्सिमम दे सकते हैं कांग्रेस को, उसके आगे हम कुछ नहीं देंगे। कांग्रेस कह रही है 25 सीटों से कम पे हम मानेंगे नहीं। तो उनको ये बात याद है ना कि पिछले चुनाव में केवल 1 सीट वो जीते थे रायबरेली की, सोनिया गांधी खुद वहां से चुनाव लड़ी और जीती, और खुद राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। किस बेसिस पे मांग रहे हैं 25 सीटें? देखिए मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस अभी भी उस डिल्यूजन में है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो निगोशिएट भी उस बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अब उनका जो वजूद है ना वो खत्म हो रहा है। पिछली बार जब रायबरेली से कांग्रेस जीती, सोनिया गांधी की सीट थी वो जीत गई, इस बार वो रायबरेली से लड़ भी नहीं रही है, इस बार वो राज्यसभा जा रही है, जयपुर से राज्यसभा लड़ रही है, मतलब नॉमिनेशन उनका वहां से हो रहा है। तो आप देखिए ना कि वो सीट वेकेंट है, लेकिन अब अटकलें लगाई जा रही कि शायद वहां से प्रियंका गांधी खड़ी होंगी, लेकिन आपका सिर्फ वजूद ही सिर्फ वो एक सीट पे, आपकी ट्रेडिशनल सीट्स हुआ करती थी अमेठी और रायबरेली, अमेठी तो आप हार चुके हैं और रायबरेली भी इस बार बहुत मुश्किल दिख रहा है मुझे। अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो ही कुछ उम्मीद हो, मुझे तो लगता है कि अगर बीजेपी कोई अच्छा कैंडिडेट वहां पर उतारता है तो मुझे लगता है वो सीट भी बहुत टफ है, डिफिकल्ट होगी कांग्रेस, बहुत ज्यादा टफ होगी। बिल्कुल अभिषेक, आखिर में बात कर लेते हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की। प्राइम मिनिस्टर मोदी एनडीए के पीएम कैंडिडेट हैं, जग जाहिर है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सारे जो दल हैं एनडीए के वो पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं, खुद बीजेपी भी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रही है, कोई सांसद का भी नाम नहीं ले रहा कि इस सीट से लड़ कौन रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप हमें मत दो वोट, आप तो पीएम मोदी को वोट दो। पीएम मोदी चुनाव सभा में जाते हैं, वो ये कहते हैं कि आप कैंडिडेट छोड़ दो, आप तो मुझे देखो, मुझे वोट दो, आप मेरे नाम पे वोट दे रहे हो। इंडिया अलायंस का पीएम कैंडिडेट होगा कौन? राहुल गांधी के नाम पे मानेंगे बाकी लोग? देखिए मैं आपको बताता हूं कि ये समीकरण है, ये पीएम जो सिर्फ पीएम के नाम पे लड़ने का 2014 के बाद से चेंज हो गया। बिल्कुल 2014 के पहले जो थे कि वो सीट बेसिस पे लड़ रहे थे और वही जो आपकी मजबूत सीटें होती थी आप उस पर अपने कैंडिडेट्स उतारते थे मजबूत वाले और वो जीत जाते थे। इसके बाद 2014 के बाद जब मेजोरिटी में जब बीजेपी आई और पीएम मोदी के, उनको पता चल गया कि यार पीएम मोदी के ऐसा साफ चेहरा बताते हैं कि वही एक साफ चेहरा है जिसके बेसिस पे वो लड़ते हैं और वही एक चेहरे के पीछे उनके काम्स हैं, सारे डेवलपमेंट्स वही उसी चेहरे के पीछे हो रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया अलायंस में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर हर एक व्यक्ति को पीएम बनना है, तमिलनाडु के सीएम को भी बनना है, बंगाल के सीएम को भी बनना है और यूपी के एक्स सीएम को। आप मुझे बताइए, आपने भी शायद गौर किया होगा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पीएम बनना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ममता बनर्जी को पीएम बनना चाहिए, उनकी पार्टी से लोग कहते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को पीएम बनाएंगे हम अगर हम जीत जाते, तो ऐसा कांग्रेस का कहना है। राहुल गांधी के बाद नाम, राहुल गांधी के बाद लेते, लेकिन अब तो राहुल गांधी को धीरे धीरे वो भी कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी कॉन्ट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट कर लेते हैं, इस वजह से वो मल्लिकार्जुन खड़गे पे आकर रुक गए। और उसके बाद अगर आप देखते हैं तो स्टालिन की बात हो रही थी कि स्टालिन को हम पीएम बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं हर राज्य से के अलग अलग पीएम उठ के आ रहे हैं, तो इसमें इंसान चुनेगा तो किसे चुनेगा? बिल्कुल, अगर तमिलनाडु का, अगर नहीं इंडिया तमिलनाडु का वोटर है और अगर वो ममता बनर्जी को एज ए पीएम वोट नहीं देने वाला है, बिल्कुल, क्योंकि उनको वो टीएमसी का वहां पर वोट शेयर ही नहीं है, तो मैं किस बेसिस पे दूंगा? और अगर लोग कहते हैं कि यार नहीं वो तो इंडिया अलायंस में है और इस वजह से मिल जाएंगे, तो भैया आपने इंडिया अलायंस में इलेक्शन लड़े, आपको पता था कि किस क्या हाल, ये मध्य प्रदेश में क्या हाल हुआ और उसके बाद राजस्थान में क्या हाल हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हाल हुआ। बिल्कुल, तो आप जानते ही हैं यहाँ पर सब पीएम बनना चाहते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि मैं डेप्यूटी पीएम भी बन जाऊंगा, मैं होम मिनिस्टर बन जाऊंगा, किसी की तरफ सबको प्रधानमंत्री, सबको प्रधानमंत्री ही बनना है। तो इंडिया अलायंस में एक्चुअली कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, पीएम कैंडिडेट पे कंफ्यूजन है, सीट शेयरिंग पे कंफ्यूजन है, और इसी सारे कंफ्यूजन की वजह से इंडिया अलायंस की पूरी जो नाव है वो डामाडोल है, कभी भी डूब सकती है। कई सारे प्लेयर्स छोड़ के जा चुके हैं बीजेपी की तरफ,
और शायद ये गिनती आगे भी जारी रहेगी। मैं हूं पारस कोठारी और मेरे साथ है अभिषेक पांडे। आप लोग देखते रहिए न्यूज़।